हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस अचार को बनाने के लिए मैंने 8 से 10 बड़े नींबू लिए हैं। ये नींबू क्वांटिटी में आधा किलो के आसपास हैं और ये नींबू पतले छिलके वाले हैं, इसमें काफ़ी रस है। जब भी आप नींबू का अचार बनाएं तब पतले छिलके वाले नींबू को लें तो ज़्यादा अच्छा है। इन नींबूओं को मैंने अच्छे से धुल लिया है, धुलकर पोंछकर सुखा लिया है। अब इन्हें हम कट करेंगे। सबसे पहले नींबू की जो आँख है इसको हम कट कर देंगे, पीछे साइड भी निकाल देंगे। इसी प्रकार से सभी नींबूओं को हम कट कर लेंगे। इसके बाद नींबू के हम टुकड़े करेंगे, तो हमेशा बेड़ा काटेंगे। नींबू के टुकड़े आप अपने अनुसार छोटे बड़े जितने करना चाहती हैं उस अनुसार करिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप छोटे छोटे टुकड़े करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे अचार वेस्ट नहीं होता है। अगर किसी को ज़्यादा खाने का मन है तो वो 2 पीस ले सकता है। यहाँ पर मैं एक नींबू में 8 पीस करूँगी और नींबू के बीज जितने आसानी से निकल जाए उसे आप निकाल दीजिए। वैसे इस नींबू में ज़्यादा बीज नहीं है, मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इन नींबूओं में ज़्यादा बीज नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं निकालना पड़ेगा। और इसी प्रकार से नींबू के टुकड़े कर लीजिएगा। सारे नींबू कट चुके हैं। नींबूओं में हम नमक मिलाएंगे, लगभग 4 से 5 चम्मच। अगर नमक मैंने कम मिलाया तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए अचार को टिकने के लिए कम से कम नींबू में आप 4 से 5 चम्मच नमक मिलाएं, लगभग 50 ग्राम। और ऐसे ही मिला कर के आप रख दें लगभग 3 से 4 दिन के लिए। इसी प्रकार से नमक मिलाकर हम रख देंगे और बीच बीच में ऐसे ही हम चम्मच से चला देंगे। इसके ऊपर हम एक काटन का कपड़ा रखेंगे। ढक्कन मत ढकिएगा क्योंकि नींबू में एसिड होता है और एसिड से गैस निकलती है जो कि कपड़े से बाहर हो जाती है और अचार में एल्कोहल जैसा टेस्ट और स्मेल नहीं आता है। बीच बीच में आप इसे खोलकर चम्मच से चला दीजिएगा कि नींबू ऊपर के नीचे हो जाए, नीचे वाले ऊपर हो जाए। अब इसे हम 3 से 4 दिन बाद ही खोलेंगे। अब कोशिश करिएगा कि नींबू का अचार जब भी बनाइए कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन में बनाइएगा। 3 से 4 दिन हो गए हैं, अब इसे हम खोल कर चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नींबू से कितना रस निकला है। ये नींबू काफ़ी रसीले थे। आप 1-2 दिन और भी रख सकती थी। अगर आपके नींबू ना गले तो आप 1-2 दिन और रख लें। मैं आपको एक नींबू तोड़कर दिखा रही हूँ कि नींबू कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। अगर पतले छिलके वाले होते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, मोटे छिलके वाले होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और अगर आपके नींबू में बीज हो तो आप एक काम करिए कि नींबू को जो है छन्नी से छान लीजिए सारे रस को, तो बीज निकल जाएंगे, रस को वापस डाल दीजिएगा। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। 1.5 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, 1 चम्मच काला नमक लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च लेंगे,
थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे और आधा किलो चीनी लेंगे, क्योंकि नींबू काफ़ी खट्टा होता है इसलिए आधा किलो चीनी तो लगेगी ही। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, और अगर कम पसंद करते हैं तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले जीरा और अजवाइन को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप ऐसे भी डाल सकती हैं, लेकिन रोस्ट करने से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। जीरा और अजवाइन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तब तक कढ़ाई में नींबू और नींबू का रस एक साथ डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि एक भी बीज नहीं है, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपके बीज काटते समय ना निकल पाए तो आप इस तरीके से जब रस निकल जाए तब आप नींबुओं को छान लें तो सारे बीज छन्नी में आ जाएंगे और आपके नींबू बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तुरंत ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। जब भी आप नींबू का अचार बनाएं, स्टील का ही बर्तन यूज करें, कढ़ाई मतलब लोहे की कढ़ाई ना लें, पीतल का बर्तन, तांबे का या अल्मीनियम का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि उसमें काफ़ी केमिकल रिएक्शन उससे निकलते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तुरंत ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बात का ध्यान रखिएगा कि नींबू का अचार आप कांच के ही जार में रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तब तक जो जीरा अजवाइन मैंने रोस्ट किया था इसको हल्का सा दरदरा हम कूट लेंगे, इससे अचार में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये नींबू का अचार सालों साल चलता है और जैसे जैसे ये पुराना होता है इसका टेस्ट और बढ़कर आता है। जीरा और अजवाइन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब इसमें लौंग और काली मिर्च डालकर इसे भी हम दरदरा कूट लेंगे। काली मिर्च के लगभग 8 से 10 दाने लीजिएगा और लौंग भी आप 6 या 7, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब चलिए खोलकर हम चेक कर लेते हैं, नींबू में बहुत अच्छा उबाल आ रहा है। अब इसमें कुटा हुआ जीरा और अजवाइन डाल देंगे, साथ में काली मिर्च और लौंग भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, नींबू में काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है और आप देख सकते हैं कि नींबू भी काफ़ी गल गए हैं। इसे अभी हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। इसकी चाशनी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनकर तैयार हो रही है। अभी हम थोड़ी देर के लिए फिर ढक देंगे जिससे कि हमारी चाशनी थोड़ा सा थिक हो जाए। थोड़ी देर बाद हम फिर चेक करेंगे, चाशनी थिक होने लगी है, अभी ठंडी होने पर ये और थिक हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स नींबू का खट्टा मीठा अचार बनने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स नींबू का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार हो गया है, देखने में कितना कलरफुल और कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना अच्छा लगेगा।
दोस्तों ये 15 से 20 मिनट में झटपट नींबू का बनने वाला अचार आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।